नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। घाघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित चांदनी चौक में शहीद देवनारायण भगत चबूतरा पर शहीद देवनारायण भगत के पुण्यतिथि पर शहीद की प्रतिमा का अनावरण शुक्रवार को किया गया। इस दौरान राजनीतिक पार्टी, जनप्रतिनिधि व समाज सेवियों ने माल्यार्पण व दीपांजन किया। इस मौके पर शिव कुमार भगत टुनटुन ने कहा, बचपन से ही शहीद देव नारायण भगत को देश व समाज की रक्षा के लिए सेना या पुलिस में जाने की इच्छा थी और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस सपना को पूरा किया और हमारे राज्य व समाज की रक्षा करते शहीद हो गए। उन्होंने कहा, झारखंड के आदिवासी मूलवासी युवक जो कड़ी मेहनत कर झारखंड पुलिस में शामिल हुआ, उसे मुख्य धारा से भटके आदिवासी मूलवासी उग्रवादियों ने उग्रवादी हिंसा में देव नारायण को शहीद कर दिया। वैसे लोग मुख्य धारा से जुड़कर समाज की रक्षा करें ताकि और किसी माँ की गोद सूनी ना हो। थानेदार अभिनव कुमार ने शहीद की मां नीलू भगत को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते हुए कहा, आप बहुत ही भाग्यशाली मां हैं जिन्होंने शहीद देवनारायण जैसे जाबाज सैनिक को जन्म दिया। जिप सदस्य तिम्बू उराव, कल्याणकारी मानव विकास संस्थान के सचिव अनिरुद्ध चौबे, विधायक प्रतिनिधि संजीव उराव ने भी शहीद देवनारायण भगत की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए नौजवान युवकों को समाज व देश के लिए ऊपर उठकर काम करने का आग्रह किया है। इस दौरान शहीद के परिवार को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। यहां बता दें कि शहीद की प्रतिमा का अनावरण 10 वर्ष के बाद किया गया है। इस मौके पर मुख्य रूप से शहीद की मां नीलू भगत, बेटी अनु कुमारी, शिव कुमार भगत टुनटुन, थानेदार अभिनव कुमार, तिबू उराव, संजीव उराव, सुशील कुमार टोपो, कामाख्या भगत, सुजीत भगत, रवि पहाड़, सत्यनारायण भगत, कौशल किशोर सिंह, महेंद्र भगत, जय समीर कुजूर, चंद्रदेव उराव, कृष्णा लोरा, अमित ठाकुर, अरुण पांडे, मनोज सिन्हा, मनोज साहू, नीरज जायसवाल, रुपेश साहू, सचिन नाथ सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। मेरा शहीद देवनारायण बेटा का आज घाघरा चौक में जो प्रतिमा जो लगा, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और घाघरा वासियों और विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद। घाघरा प्रखंड मुख्यालय के सुपुत्र शहीद देवनारायण भगत जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज शहीद के मूर्ति अनावरण के अवसर पर आज विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए, मौजूद रहे, जहाँ तक मैं भी यहाँ पर अतिथि के तौर पर उपस्थित रहा। मैं चंद शब्दों पर ही कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जो शहीद एक सिपाही के तौर पर यहाँ का आदिवासी बच्चा जो यहाँ खेलता कूदता पढ़ते हुए एक सिपाही के तौर पर उसका झारखंड पुलिस में उसका जब बहाली हुआ, हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि चलो एक बच्चा हमारे बीच में जा करके आज देश का रक्षा, समाज का रक्षा करेगा। आज वो हमारे बीच नहीं है, शहीद हो गए, लेकिन आज हम उनको और उनके परिवार को नमन करते हुए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि झारखंड मूलवासी और आदिवासियों का क्षेत्र है और इसी क्षेत्र से यह आदिवासी बच्चा जो सिपाही के तौर पर झारखंड पुलिस में बहाली होकर के जब गया और उग्रवादियों से लड़ा, जो उग्रवादी जो आज हमारे गांव के ही समाज के ही बेटा है, पुत्र है, चाहे जिस तरह से भी समाज के लोग ही। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।